हाँ तो डियर फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। डिमांड रिकवरी थियोरेटिकल अमेंडमेंट, नथिंग टेक्निकल। डिमांड रिकवरी में ऐसा क्वेश्चन है कि भी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी टू बी इंटीमेटेड बाय प्रॉपर ऑफिसर बिफोर इश्यूएंस ऑफ सो कॉस्ट नोटिस। यानी सो कॉस्ट नोटिस ऐसे ही डराने के लिए नहीं डालना है आपको। सो कॉस्ट नोटिस में दिखाना है कि भाई आपको इतना टैक्स भरना है, इतना इंटरेस्ट, इतना पेनल्टी, सब ब्रेकअप करके वर्किंग करके देना है। हवा में डराना नहीं है कि भाई एसएससी को फिर बुलाओ, फिर आप सेटिंग करो, ऐसा नहीं। आपने जो कैलकुलेशन किया है वो करके दो। ओके, दैट इज थियोरेटिकल अमेंडमेंट। वेदर टैक्स इज नॉट पेड, शॉर्ट पेड, एरियर्स ने रिफंडेड और आईटीसी हैज बीन रॉन्गली अवेल, प्रॉपर ऑफिसर मे इश्यू ए सो कॉस्ट नोटिस टू रजिस्टर पर्सन एज पर 73 एंड 74, बट विथ इफेक्ट फ्रॉम 9/10/2019 प्रॉपर ऑफिसर शैल बिफोर सर्विंग अ नोटिस कम्युनिकेट द डिटेल्स ऑफ एनी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी। यानी क्या, खाली थॉट प्रोसेस पे नहीं, आपके पास डेटा होगा कि आपने इसका टैक्स नहीं भरा, उस टैक्स पे इतना इंटरेस्ट होगा, उस पे इतना पेनल्टी होगा, सब वर्किंग करके देना है। तो इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म टू ए पर्सन चार्जेबल विथ टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इधर अंदर 73 और 74। फर्दर वेयर सच पर्सन हैज मेड पार्शियल पेमेंट ऑफ द अमाउंट कम्युनिकेटेड टू हिम डिजायर्स टू फाइल सबमिशन अगेंस्ट द प्रपोज लाइबिलिटी ही शैल मेक ए सबमिशन इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म। टैक्स पेयर विल एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ नील और रिड्यूस पेनल्टी अंडर 73(5) एंड 73(4)। तो वो उसके आंसर जो उसको करना है वो कर सकता है, भर भी सकता है, आपके सामने अगेंस्ट में भी जा सकता है। ओके, तो अगेंस्ट में जाएगा, वो उसका बेस क्लियर करेगा। अगर वो जीत जाता है तो ऑब्वियस है उसका इंटरेस्ट पेनल्टी सब कम हो सकता है, नील हो सकता है। वेर एनी पर्सन मेक्स टैक्स इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी और एनी अदर अमाउंट ड्यू इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ एक्ट वेदर ऑन इट्स ओन एसरटेनमेंट, वो खुद भरता है, या फिर जो कम्युनिकेट किया है प्रॉपर ऑफिसर ने, ही शैल बी इन्फॉर्म बाय प्रॉपर ऑफिसर ऑफ सच पेमेंट एंड प्रॉपर ऑफिसर शैल एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट द पेमेंट। यानी आपको जब पैसे मिलते हैं तो आपको उसको एक्नॉलेज करके देना है कि हाँ भाई पैसे मिल गए, वो तो इम्प्लाइड होता है, बट तो भी उन्होंने नोटिफिकेशन फॉर्म दे दिया। फिर डियर फ्रेंड, अपील्स एंड रिविजन में रिविजनल अथॉरिटी में एक नोटिफिकेशन लाए वो कि रिविजनल अथॉरिटी अंडर 108 में कौन है। तो फॉलोइंग ऑफिसर हैव बीन ऑथोराइज एज ए रिविजनल अथॉरिटी अंडर 108, प्रिंसिपल कमिश्नर और कमीशंस, प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर्स फॉर द डिसीजन और ऑर्डर पास्ड बाय एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर। यानी एडिशनल जॉइंट कमिश्नर जो ऑर्डर पास करते हैं उसका रिविजनल कर सकते हैं प्रिंसिपल कमिश्नर, एंड एडिशनल एंड जॉइंट कमिश्नर फॉर द डिसीजन ऑर्डर पास्ड बाय डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर और सुपरिंटेंडेंट। यानी ACDC और सुपरिंटेंडेंट ने अगर कोई डिसीजन दिया है तो रिवीजन ऊपर की हायर अथॉरिटी दैट इज एडिशनल एंड जॉइंट कमिश्नर कर सकते हैं, और एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर ने कुछ ऑर्डर दिया है और उसको रिवाइज करना है तो प्रिंसिपल कमिश्नर कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, तो दैट इज सिंपल वन। मिसलिनियस में अभी दो एक का टॉपिक है, उसके बाद रिफंड्स के लिए एक स्पेशल करूँगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ITC रूल 43, वो सम्स के साथ करने वाला हूँ, इसलिए बाकी रखा है, बट आज रात तक मोस्ट प्रॉब्ली मिल जाएगा आपको। थैंक यू।